हेलो टाइगर्स, कैसे हो आप लोग? तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी और आप लोग नीट 2023 की तैयारी में काफी अच्छे से लगे हुए होंगे। और हो सकता है कि बहुत से लोग अभी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो उन लोगों को अभी ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है, और अगर नहीं भी करी तो ये फाइनल टाइम है, अभी भी कुछ 10-12 दिन बाकी है, तो आप उसमें अच्छे से अपनी मेहनत कीजिए। हो सकता है सिलेक्शन आपका इसी बार हो जाए। तो चलिए देखिए, अभी तक हम काफी सारी बात कर चुके हैं। हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करा था, हमने इसमें डिस्कस करा था अलग अलग चीजों के बारे में। जैसे हमने ओरल कैविटी को पढ़ लिया, इसमें हमने टंग्स ओरल कैविटी में हमने टंग्स को पढ़ा, फेरिंग्स को पढ़ा, टीथ को पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर स्टोमक के आगे चल के फिर हमने क्या करा, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्टोमक के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि एक क्वेश्चन शायद आपको यहाँ से देखने मिल जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। सो देख लीजिए, ये आपके सामने क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल, ये हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो इसका एकदम मैं सिंपल फॉर्म में बताता हूँ कि ये डायग्राम हमने कैसे लिया है। तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फूड पाइप, ये हो गया आपका स्टोमक, और ये स्टोमक के नीचे क्या हो गया, ये इस तरीके से इंटेस्टाइन वगैरह हो गई। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने इतना सेक्शन इसका ले लिया। ठीक है, इतना सेक्शन क्या करा है, आपने इसका कट करा, और कट करने के बाद आपने क्या करा, इसको माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, मान क्या करा, इस सेक्शन को आपने कट करा, और कट करने के बाद आपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो आपको क्या क्या चीजें, सबसे पहली बात, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में आपको क्या क्या देखने मिलती है। सो आपको सबसे बाहर एक लेयर देखने मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, सेरोसा। लेकिन सेरोसा एक बात ध्यान रखेंगे कि ईसोफेगस वाले रीजन में, ठीक है, कौन से रीजन में, ईसोफेगस वाले रीजन में सेरोसा क्या होती है, एबसेंट होती है। और सेरोसा क्या है, आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। फिर इसके नीचे आपने एक लेयर देखी जो कि और सेरोसा के नीचे थी, वो थी मस्कुलरिस। फिर इसके नीचे आपने क्या देखा, इसके नीचे आपको लेयर मिली सबम्यूकोसा, और सबसे नीचे आपको लेयर मिली है जो कि इनर मोस्ट लेयर है आपकी म्यूकोसा। और फिर इसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, ल्यूमन, या फिर कैप, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको कैविटी। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर किस भी सेक्शन को कट करेंगे तो यहाँ पर अंदर तो कैविटी मिलेगी ना, या ल्यूमन मिलेगा। तो चलिए अब मैं सारे पॉइंट्स को आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, सेरोसा से बात करेंगे। जो ये सेरोसा, ये कौन सी लेयर है, ये है आपकी आउटर मोस्ट लेयर, और इनका आपको सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आउटर मोस्ट कौन सी है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, या फिर इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट, तो आप ये सारे सीक्वेंस को याद रखेंगे। ओके, तो सेरोसा की बात कर रहे हैं, सेरोसा क्या है, आउटर मोस्ट है, किससे बनी होगी साहब, ये बनी होगी आपकी मीजोथीलियम से। ठीक है, किससे बनी होगी, मीजोथीलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू और मीजोथीलियम से ये आपकी बनी होती है। फिर इसके बाद है आपकी मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, मस्कुलरिस लेयर के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि मस्कुलरिस लेयर जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड वेल डेवलप है, कहाँ पर, स्टोमक में, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेल डेवलप इन स्टोमक। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि स्टोमक में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेल डेवलप है। सेरोसा के बारे में एक पॉइंट और कि ये कहाँ पर एबसेंट होगी, ये एबसेंट होगी आपका ईसोफेगस सीजन में, ईसोफेगस रीजन में क्या होगी, एबसेंट होगी। फिर इसके बाद हम आते हैं कौन से रीजन पर, इसके बाद आपको मस्कुलरिस में भी कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं मस्कुलरिस में, इस चीज को आप समझिए। देखिए डायग्राम में देखिए आप एक बार, आप देख रहे हैं मस्कुलरिस में दो लेयर है। ठीक है, इनर कैसी है, सर्कुलर, आउटर कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, सो हम इसे कैसे याद करेंगे, इसे हम इस तरीके से याद कर लेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब इनर क्या हो गई, सर्कुलर, आउटर क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, मेरे साथ एक बार फिर से, इनर क्या है, सर्कुलर है, और आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। फिर इसके बाद हम आएंगे सबम्यूकोसा वाले रीजन पर। देखिए सबम्यूकोसा वाला जो रीजन है ये किससे बना होता है, ये बना होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, जहां जहां मैं सीटी लिखूंगा इसका मतलब क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगी, यहाँ पर आपको नर्व देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर आपको लिम्फ वेसल देखने के लिए मिलेंगी, और आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेंगी, ब्लड वेसल्स देखने मिलेंगी, क्या देखने मिलेंगी, ब्लड वेसल्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर इसके बाद हम आते हैं म्यूकोसा में, और म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर है भैया, सबसे अंदर वाली लेयर है, ये क्या है आपकी इनर मोस्ट लेयर। देखिए म्यूकोसा के बारे में एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी भी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपकी कहाँ प्रेजेंट होंगी, जितनी भी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगी वे सब म्यूकोसा रीजन में होंगी, एक्सेप्ट एक ग्लैंड ऐसी होगी जो कि आपकी सबम्यूकोसा रीजन में होगी, और उस ग्लैंड का नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम है उसका, ब्रूनर्स ग्लैंड।
सो ब्रूनर ग्लैंड आपको कौन से रीजन में दिखेगी? ये आपको सब म्यूकोसल रीजन में दिखेगी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड आपको कहाँ पर देखने मिलेगी? आपको सब म्यूकोसल रीजन में देखने मिलेगी। और ये ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? ये प्रेजेंट होगी ड्यूडोनम में। कहाँ प्रेजेंट होगी? ये आपका ड्यूडोनम में प्रेजेंट होगी। और इस ग्लैंड की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये क्या करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ सीक्रेट थिक म्यूकस, सीक्रेट थिक म्यूकस। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका फंक्शन हो गया। चलिए अब आते हैं म्यूकोसा की तरफ। तो म्यूकोसा का एक फंक्शन तो हमने ये देख लिया कि भाई जितनी भी आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड है वे कहाँ मिलेंगी? आपको म्यूकोसा वाले रीजन में देखने मिलेंगी। इसके अलावा ये जो म्यूकोसा वाला रीजन होता है ये क्या करता है? ये आपका बेलाई का फॉर्मेशन करता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? बेलाई का फॉर्मेशन कर रहा है इंटेस्टाइन में। और ये आपका क्या करेगा? रुगे रुगे फॉर्म करेगा। किसमें? स्टोमक में। रुगे का मतलब क्या है? यहाँ पर स्टोमक के अंदर जो फोल्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? गैस्ट्रिक रुगे या फिर स्टोमक रुगे, ठीक है। सो स्टोमक के अंदर जो रुगे का फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका वह भी आपका ये वाली लेयर कर रही है। इसके अलावा आपकी जो वेलाई तो कर रहे हैं, साथ साथ माइक्रो वेलाई वगैरह का भी कौन फॉर्म करता है? आपका म्यूकोसल वाली, ये जो म्यूकोसा वाली लेयर है यही फॉर्म करती है। और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि सरफेस एरिया इंक्रीज करवाने में कहीं ना कहीं क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। अब देखिए म्यूकोसा के अंदर भी लेयर है लेकिन आपको साइड लेयर नहीं पढ़नी, आपको पढ़ना है कि जो म्यूकोसा है इसके अंदर आपको क्या देखने मिलेंगे? इसके अंदर आपको देखने मिलेगा मस्कुलर एपिथीलियम। क्या देखने मिलेगा? मस्कुलर एपिथीलियम, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल में है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सो ये जो मस्कुलर एपिथीलियम है ये इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे देखने के लिए? इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे गोबलेट सेल। और गोबलेट सेल क्या करते हैं? ये भी आपका म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं। सो इतना आपको पता होना चाहिए। और एक बार आप इस डायग्राम को देख लेंगे और सब कुछ क्या करेंगे इस डायग्राम से रिलेट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर आप बात करेंगे किसकी? डाइजेस्टिव ग्लैंड की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको मेनली तीन ग्लैंड पढ़नी है। पहली ग्लैंड पढ़ोगे आप सलाइबरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड आप पढ़ोगे यहाँ पर लीवर, और तीसरी पढ़ोगे आप पैनक्रियास। तो इन तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे? डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे चलिए यहाँ पर हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के साथ। तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? यह प्रेजेंट होती हैं आपकी आउटसाइड द बकल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड द बकल कैविटी। बकल कैविटी की ये बाहर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, लेकिन इनका जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ होता है? इनसाइड द बकल कैविटी, इनसाइड द बकल कैविटी। अब देखिए जब इनका सीक्रेशन इनसाइड द बकल कैविटी हो रहा है तो ये सीक्रेशन किसकी मदद से हो रहा होगा? बाय द हेल्प ऑफ डक्ट्स, ठीक है, डक्ट्स की हेल्प से। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड होती है, एक होती है आपकी पैराटोइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पैराटोइड ग्लैंड है। और पैराटोइड ग्लैंड के बारे में ध्यान रखेंगे कि जो पैराटोइड ग्लैंड है ये क्या है आपकी? ये है आपकी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। कौन सी होगी भैया? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और अगर हम बात करते हैं ये कहाँ मिलेगी आपको? ये आपको देखने के लिए मिलेगी चीक के पास, ठीक है, चीक के पास आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है। लोकेशन अगेन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, लोकेशन कहाँ है इसकी? कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड द बकल कैविटी। लेकिन इनका सीक्रेशन कहाँ पर होगा? इनसाइड द बकल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ डक्ट, ठीक है। सो पैराटोइड कहाँ है आपकी? चीक वाले रीजन में है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, और इसका जो सीक्रेशन होगा वो इनसाइड द बकल कैविटी होगा। और यहाँ पर कौन सी डक्ट के थ्रू होगा? तो ध्यान रखेंगे कौन सी डक्ट होगी यहाँ पर? स्टेंसन डक्ट। कौन सी डक्ट रहेगी? स्टेंसन डक्ट। तो यहाँ पर लिख लीजिए मेरे साथ कौन सी डक्ट है? इंस्टेंशन डक्ट है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं अगली ग्लैंड जो है वो है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल, ठीक है, लिंगुअल शब्द का आप कब यूज करते हैं? टंग के लिए यूज करते हैं। मतलब ये वाली जो ग्लैंड है ये कहाँ पर लोकेटेड होगी आपकी? बिलो द टंग, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड होगी? ये लोकेटेड होगी आपकी बिलो द टंग। चलिए ये बिलो द कहाँ होगी आपकी? बिलो द टंग है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी डक्ट रहेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या करेगी, इसके सीक्रेशन को कहाँ करेगी? आपका बकल कैविटी के अंदर पहुंचाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें कौन सी डक्ट होती है? यहाँ पर डक्ट होती है आपकी डक्ट ऑफ रिविनस। कौन सी हो जाएगी? रिविनस, ठीक है। रिविनस किसके लिए होगी? ये होगी सब लिंगुअल के लिए, सब लिंगुअल के लिए। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है अगली कौन सी आपकी है? अगली सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं इसे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कह देते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि डक्ट कौन सी होगी भाई? यहाँ पे जो डक्ट होगी वह रहेगी आपकी वाटसन डक्ट। कौन सी रहेगी आपकी?
यहाँ पर रहेगी आपकी वाटसन डक्ट, ठीक है, वाटसन डक्ट है। और ये आपको कहाँ देखने मिलेगी, ये आपको लोअर जो में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। क्या देखने के लिए मिलेगी, सबमैक्सिलरी ग्लैंड आपको लोअर जो में देखने के लिए मिलेगी। तो चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं कि सर आपने हमें ये सब बता दिया, तो एक बार फटाफट अगर तुम्हें समझ में आया तो मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने यहाँ पर पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा हमने, और हमने क्या पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, आउटसाइड द बकल कैविटी है, लेकिन सिक्रेशन कहाँ हो रहा है भाई, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हाँ इनसाइड द बकल कैविटी हो रहा है। अब किसके द्वारा हो रहा है, डक्ट्स के द्वारा हो रहा है। अच्छा तो अब आप सवाल सुनो, ठीक है। मेरा सवाल है कि ये बताओ कि जो यहाँ पर आप कौन सी ऐसी सलाइवरी ग्लैंड है जो आपकी चीक के पास प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा सर कौन सी है, वो है आपकी पैराटोइड ग्लैंड। कौन सी अभी, पैराटोइड ग्लैंड है। और अगर आपसे मैं पूछ लेता हूँ ये बताओ भाई कि जो रेविनस डक्ट है वो आपकी कौन सी ग्लैंड के पास है, वो है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड के पास, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सिक्रेशन जो होगा, ठीक है, अगर बकल कैविटी में किस चीज़ का सिक्रेशन होगा भाई, सलाइवा का होगा। तो सलाइवा के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं सलाइवा के पीएच की, तो कितना होता है, 6.8 होता है इसका पीएच। अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की, ठीक है, सलाइवा में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो सलाइवा में आप क्या क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लाइसोजाइम, क्या देखने मिलेगा, लाइसोजाइम देखने मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने मिलेगी IgA एंटीबॉडी, और इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सलाइबरी अमाइलेस एंजाइम। कौन सा मिलेगा, सलाइबरी अमाइलेस एंजाइम, जिसको आप लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे कि लाइसोसोम, यहाँ पे लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है, सो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये एसिड बफर मेंटेन रखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर IgA का जो फंक्शन है, ये आप बता सकते हैं ये क्या करेगा, ये रजिस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एज अ रोल प्ले करेगा, ठीक है, रजिस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना आप लोग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सलाइवा सीक्रेटेड प्रमोटेड बाय, अच्छा कौन प्रमोट करता है, तो आपका आंसर रहेगा पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। और एक दिन में आप कितना सलाइवा सीक्रेट करते हैं, सो आपका आंसर रहेगा सर 1 से 2 लीटर तक सलाइवा क्या होता है, एक दिन में सीक्रेट होता है। सो बस सलाइवरी ग्लैंड के बारे में इतना पढ़ लेना, आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखोगे कि क्वेश्चन लग रहे हैं, और जब क्वेश्चन लगने चालू होंगे ना, तो अलग से एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ठीक है, लीवर तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं आप लोगों से कर भी सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग तो भाई टीचर और स्टूडेंट है, तो इतनी तो बॉन्डिंग है ना भाई हमारे बीच की, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट आप मेरी सुन लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर आपका ये पहला ड्रॉप है, ठीक है, आप नीट 2023 के लिए पहला ड्रॉप कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात बधाई हो कि आपने मेडिकल फील्ड के में जाने का मन बनाया। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस ड्रॉप में आपको अपना पूरा हार्डवर्क करना है, ठीक है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप मेहनत कर लोगे अच्छे से तो सिलेक्शन होगा, ये बात तो है, लेकिन बाय चांस अगर सिलेक्शन ना भी हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप मतलब एक अपने आप को देखेंगे कि आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। जब आप जो मेहनत करनी चालू करते हैं ना, तो धीरे 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 क्या होता है, आपकी वो उसकी हैबिट लग जाती है। और जो इंसान मेहनत करना सीख लेता है ना बच्चों, उसे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। और एक चीज़ और, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें मेहनत नहीं कर रहे, कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग नहीं बल्कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैंने इतने बच्चों को मेंटर कराया, तो मैं आज आपसे ये कह सकता हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करने तो आ जाते हैं, लेकिन वे सीरियस नहीं होते। तो उसका नुकसान क्या है, तो उसका नुकसान ये है कि वे पहले, ठीक है, तैयार मेहनत नहीं करी, तो पहली बात तो सिलेक्शन होने से रहा, दूसरी बात वे क्या करेंगे, पहले साल नहीं हुआ दूसरे साल तैयारी करेंगे, दूसरे साल भी क्या होगा, दूसरे साल भी सीरियस नहीं होंगे, तो फिर सब वही कहानी चलती रहेगी। लेकिन जितने ज़्यादा आपके ड्रॉप बढ़ते जाते हैं, ठीक है, और आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो एक चीज़ होने लगती है, वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरना चालू हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, मेहनत करके देना है, बिल्कुल एग्जाम को दो अच्छे से, जितना आप दे सकते हो ना एफर्ट लगा के, उतने अच्छे से आपको इस एग्जाम को देना है। और ये एग्जाम ऐसा है कि आपकी, अगर आप मेहनत भी करते हो ना इसमें, ठीक है, सीख जाते हो ना अच्छे से, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप इतना कुछ जान जाओगे ना, और आपको लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है कि इस एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा,
और वो कब बढ़ेगा? मेहनत करने से बढ़ेगा, ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, तो अच्छे से मेहनत करो और डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, चलो अब लीवर के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। लीवर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई बात करते हैं लीवर की। तो लीवर क्या है? आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है। वेट कितना होता है? 1.5 किलो के आसपास इसका वेट होता है। और हम बात करते हैं इसकी कवरिंग की। ठीक है, यहाँ पर आपको किसकी यहाँ पर कवरिंग क्या रहेगी? यहाँ पर कवरिंग रहेगी गिल्सिन कैप्सूल की। और गिल्सिन कैप्सूल क्या है? एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है। गिल्सिन कैप्सूल। और यहाँ पे जो सेल होंगे लीवर में, उन्हें क्या कहेंगे आप लोग? उन्हें कहेंगे आप लोग हिपेटिक सेल। कौन से सेल होते हैं? हिपेटिक सेल होते हैं। और हिपेटिक टर्म जो है ये लीवर के लिए ही यूज होती है। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो लीवर की है वो क्या है? आपकी हिपेटिक लोब्यूल। क्या है? हिपेटिक लोब्यूल। देखिए मैं इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा है, इस टॉपिक को इस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी बना के रख रखा है। और यहाँ पर आपको जो मैक्रोफेजिक सेल मिलते हैं उन सेलों क्या कहते हैं? उन सेलों कहते हैं कूफर सेल। क्या कहते हैं? कूफर सेल कहते हैं। और ये जो मैक्रोफेजिक सेल हैं, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये आपके एज अ वर्क करते हैं, एज आप कह सकते हैं इनका फंक्शन क्या होगा? डिटेक्शन करना, फैगोसाइटोसिस करना। क्या करना? फैगोसाइटोसिस करना। और डिस्ट्रैक्ट कर देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना। और डिस्ट्रॉय कर देना किसका? बैक्टीरिया का और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा पावर ऑफ रीजनरेशन आपको लीवर में देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करते हैं क्या ही लीवर के बारे में, लीवर के बारे में देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है। ये पॉइंट कहाँ होगा? यह पॉइंट है आपका, आगे बताना है मेरे को इसके बारे में। ठीक है, बाइल में बताना है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक क्या करने वाला हूँ, मैं एक माइंड मैप शेयर करूंगा और ये माइंड मैप आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, और ये माइंड मैप से क्या होता है? क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए माइंड मैप बनाइए मेरे साथ, मैं बात करेंगे। ये आपके सामने है, यहाँ पे क्या है? डायग्राम है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस डायग्राम में आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ। देखिए ये वाला जो सेक्शन है, ये क्या है? ये आपका लीवर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपका? ये है लीवर। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे समझो। देखिए लीवर के सेल क्या होते हैं? आपके हिपेटिक सेल। कौन से सेल होते हैं भाई? हिपेटिक सेल होते हैं। ठीक है, हिपेटिक सेल क्या सीक्रेट करते हैं? हिपेटिक सेल सीक्रेट करते हैं बाइल। अब ये बाइल कहाँ पहुंचेगा? ये बाइल पहुंचेगा आपका हिपेटिक डक्ट में। कहाँ पहुंचेगा ये बाइल? ये बाइल पहुंच जाएगा आपका हिपेटिक डक्ट में। और ये हिपेटिक डक्ट के बाद ये बाइल कहाँ पहुंचेगा? ये बाइल पहुंचेगा गोल ब्लैडर में। कहाँ पहुंच जाएगा भाई? गोल ब्लैडर में पहुंच जाएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये क्या है आपका? गोल ब्लैडर है। ठीक है, ये क्या है आपका? गोल ब्लैडर। अब देखो गोल ब्लैडर में क्या होता है। अभी यहाँ पे जो बाइल पहुंचा है ना, ये यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पर ये कंसनट्रेट होगा। क्या होगा भाई यहाँ पर? ये बाइल क्या होगा? कंसनट्रेट होगा। इसके अलावा ये यहाँ पे क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक है, बाइल क्या होगा? कंसनट्रेट होगा, स्टोर होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? ये बाइल आगे चल के क्या होगा? यहाँ से रिलीज होगा। और कहाँ पहुंचेगा? यह पहुंच जाएगा आपका सिस्टिक डक्ट में। कहाँ पहुंचेगा? सिस्टिक डक्ट में। तो आपसे क्वेश्चन, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बताओ भाई डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर, क्या नाम है डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर का? तो आपका आंसर क्या रहेगा कि सर डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर है आपकी सिस्टिक डक्ट। अब देखिए सिस्टिक डक्ट के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? सिस्टिक डक्ट के बाद आपका ये बाइल है, ये कहाँ पहुंचेगा? कॉमन बाइल डक्ट में। कहाँ पहुंचेगा? कॉमन बाइल डक्ट में। और फाइनली कॉमन बाइल डक्ट के बाद ये आपका कहाँ ओपन हो जाएगा? यह आपका ओपन हो जाएगा ड्यूडोनम पर। ठीक है, कहाँ पर ओपन होगा? ड्यूडोनम पर ओपन होगा। लेकिन उससे पहले क्या मिलेगा आपका? यहाँ पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं? स्पिंचर ऑफ ओडाई, स्पिंचर ऑफ ओडाई। और इसे का एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है आपका? एम्प्यूला ऑफ वेटर। और यहाँ पर क्या होगा फाइनली आपका ड्यूडोनम में ये क्या होगा? बाइल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक ना रफ डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसा समझो आप कि ये क्या होगी आपकी सी शेप। सी शेप क्या होती है? ड्यूडोनम होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? ड्यूडोनम ओपन होगी। यहाँ पे हमारी ये हो गई ड्यूडोनम। और यहाँ पर ये क्या आ रही है आपकी? ये मान लो ये आ रही है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, क्या आ रही है? ये है आपकी कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ पर इस रीजन में आपको क्या देखने मिलेगा? यहाँ पर जो स्पिंचर प्रेजेंट होगा उसको आप कह दोगे स्पिंचर ऑफ ओडाई, या फिर आप कह दोगे एम्प्यूला ऑफ वेटर। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो पेनक्रियाटिक सीक्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पेनक्रियाज भी तो प्रेजेंट होगी, तो पेनक्रियाटिक सीक्रेशन जो होता है वो भी क्या होता है? इसी वाले स्पिंचर के थ्रू क्या होता है? वो भी आपका ड्यूडेनम में आता है।
सो ये वाला माइंड मैप आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसको बनाना, प्रैक्टिस करना और प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन लगाना, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, ठीक है। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेक्चर के बीच में कभी भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, उसका सही से यूज करें, ठीक है। उसमें आए और अपना प्रॉब्लम मेंशन करें, और आप ये भी क्या बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज इस वाले टॉपिक पर आप दोबारा वीडियो बनाइए, या फिर कुछ आपको लगता है जो हम आपके लिए कर सकते हैं, जैसे आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बताइए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी एडवाइस तो ये है एज अ टीचर, ठीक है, एज अ बड़ा भाई, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि देखो नोट्स यहाँ बैठ के बनाओगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू, अगर मैं आपको पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फिर आप क्या करोगे, फिर आप पीडीएफ के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि यहाँ पर वीडियो देखते देखते नोट्स बनाओ, वो आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। चलो अब हमने क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ बाइल, ठीक है। बाइल के बारे में एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, एक नोट पॉइंट याद रखो बाइल के बारे में, डेट बाइल कंटेन नो एंजाइम, मतलब बाइल जो बाइल होता है इसमें आपको कोई एंजाइम देखने के लिए नहीं मिलता, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे तुम लोग क्या करोगे ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो फंक्शन देखते हैं बाइल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन जो होता है इसका, पहला फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा जो इसका मेन फंक्शन होता है बाइल का, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन। तो कौन कौन से होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या है आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इनका जो ये जो एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन करेगा, आपका बाइल करेगा। अब देखो बाइल के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बाइल का पीएच याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, इसका पीएच जो होता है वो होता है 7 to 8। बाइल का पीएच कितना होता है, 7 to 8, इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा 7 to 8, इसका रहेगा पीएच। मतलब मैं कह सकता हूँ ये कैसा है आपका, एल्कलाइन इन नेचर है। कैसा है भाई, एल्कलाइन इन नेचर। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा है, कंसेप्ट क्या है, सो कंसेप्ट ये है कि देखो जैसी आपका फूड कहाँ होता है, जैसी फूड आपका स्टोमक में पहुंचा, ठीक है, वहां पर आप जानते हो स्टोमक में क्या होगा, एससीएल वगैरह भी होगा, है ना। तो वो एससीएल वगैरह जो होगा वो आपका फूड के साथ मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तब वहां पे जो फूड वगैरह है, ठीक है, वो सब कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। फिर ये एसिडिक फूड कहाँ पहुंचेगा, यह इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंटेस्टाइन में डाइजेशन तब होगा जब ये फूड कैसा हो, एसिडिक ना हो के कैसा हो, एल्कलाइन हो। कैसा हो भाई, एल्कलाइन हो। इसलिए जो यहाँ पे बाइल होता है ना आपका, ये क्या करता है, ये जो फूड आपका इंटेस्टाइन में आएगा एसिडिक, उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा एल्कलाइन में, ठीक है। सो बाइल का फंक्शन क्या होगा, जो भी फूड वगैरह स्टोमक से आया है जो एसिडिक हो चुका है, उसे एल्कलाइन में कन्वर्ट करना। सो देखो ये पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है, कन्वर्ट एसिडिक फूड ऑफ स्टोमक इनटू एल्कलाइन। अभी एल्कलाइन में क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि जो भी आपके एंजाइम है, ठीक है, जो भी आपके एंजाइम है, जैसे आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम हो गए, कौन कौन से एंजाइम हो गए, पैनक्रियाटिक एंजाइम, क्योंकि आपने देखा था ना पैनक्रियास की सीक्रेशन भी कहाँ ओपन हो रही थी, ड्यूडेनम में ओपन हो रही थी। तो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन है, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं वे सब कैसे उस पर वर्क करते हैं, वे सब वर्क करते हैं एल्कलाइन, कैसे उस पर वर्क करेंगे, एल्कलाइन नेचर पर वर्क करेंगे। तो ये जो आपका बाइल है ये क्या कर देता है, ये है आपका जो फूड है उसको एसिडिक से एल्कलाइन कर देता है, ये ही इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं द, चलिए मैं बोलता हूँ आप लिखिए, ठीक है, आप लिखिए द एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, द एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड वर्क ओनली इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, लिखिए, ओके गुड। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ बाइल की, भाई बाइल है तो बाइल की क्या है कंपोजिशन होती है। सो बाइल में आपको क्या देखने मिलेगा, आपको वाटर देखने मिलेगा, आपको मिनरल सोल्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्या देखने के लिए मिलेंगे, मिनरल सोल्ट देखने के लिए मिलेंगे, आपको म्यूकस देखने के लिए मिलेगा, आपको ब्लू रूबिन देखने के लिए मिलेगा और आपको ब्लू बर्दिन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, विली बर्दिन। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर बिली रूबिन और आपका बिली बर्दिन, ये क्या है आपके, ये दोनों हैं आपके पिगमेंट्स, क्या है आपके, पिगमेंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बाइल सोल्ट, क्या देखने में मिलेगा, बाइल सोल्ट देखने के मिलेगा, और आपको कोलेस्ट्रोल भी देखने के लिए मिलेगा, कोलेस्ट्रोल भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब आपको मिल जाता है किसमें, एक अगर कंपोजिशन देखेंगे बाइल के, सो बाइल के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
चलिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पैनक्रियास की। सो आप पैनक्रियास का यहाँ पर एक सुंदर सा एनिमेशन देख रहे हैं, तो देखिए कौन कौन से पार्ट है पैनक्रियास में। पहला पार्ट है हेड पार्ट, दूसरा पार्ट है बॉडी पार्ट, तीसरा पार्ट है टेल पार्ट। ठीक है, कौन कौन सा है चलिए बोलिए एक बार सर। हेड, बॉडी, टेल। ठीक है, पैनक्रियास में ये तीन पार्ट हो गए। अब देखिए पैनक्रियास के बारे में मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक फिर से मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाने वाला हूँ। और उस फ्लो चार्ट से बेनिफिट ये होगा कि आप जो है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पैनक्रियास के लगा लोगे। और पैनक्रियास यहाँ पे पढ़ लिया तो एक फायदा और भी है, फायदा ये है कि भाई यहाँ पैनक्रियास पढ़ लोगे तो फिर आपका एक चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, वहां पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है यहीं पे मेहनत कर लेते हैं। तो चलो पैनक्रियास के बारे में बात करते हैं। सो पैनक्रियास क्या है, आपकी मिक्स ग्लैंड है। क्या है? मिक्स ग्लैंड, या पे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो पैनक्रियाज है ये आपकी वर्क करती है एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और यह आपकी वर्क करेगी एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी देखेंगे कैसा करेगी। सो देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगे, यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं सेल ऑफ एसिनी, सेल ऑफ एसिनी आपको देखने मिलते हैं। और जो एंडोक्राइन वाला रीजन है यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगेंस। क्या देखने मिल रहे हैं आपको? आइसलेट ऑफ लैंगेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम आइसलेट ऑफ लैंगेंस की बात करते हैं तो इनका नंबर कितना होता है, ये 1 से 2 मिलियन होते हैं नंबर में। ठीक है, अब देखिए जो एक्सोक्राइन वाला सेक्शन है ये क्या करेगा, ये है यहाँ पर आप क्या देखेंगे एक्सोक्राइन वाले सेक्शन में, कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम। क्या प्रोड्यूस होते हैं? यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? सो ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है किसके लिए? डाइजेशन के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम किस लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे जो एंजाइम प्रोड्यूस होंगे वे किस में रोल प्ले करेंगे? डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। अब देखिए कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर जो जो से एंजाइम यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे वो होंगे आपके ट्रिप्सिन और आपका रहेगा कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन होगा और आपका क्या होगा? कीमोट्रिप्सिन होगा। और ये जो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन है ये किस चीज का डाइजेस्ट करवाएंगे? ये है आपका प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करवाएंगे। फिर इसके बाद जो है आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंजाइम अमाइलेस। क्या होगा? अमाइलेस। अमाइलेस किसे करवाएगा? यह है आपका क्या डाइजेस्ट करवाएगा? यह है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद तीसरा है यहाँ पर लाइपेस। देखिए लाइपेस तो काफी कॉमन है, आपको ये पता होगा, इससे ये क्या करेगा? यह करेगा आपका ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फिर इसके बाद हम आते हैं एंडोक्राइन वाले रीजन में। ठीक है, एक्सोक्राइन वाले रीजन में आपको यही सब याद रखना है, अब जरा एंडोक्राइन वाले रीजन को देख लेते हैं। ओके, सो एंडोक्राइन वाले रीजन में आप क्या देखेंगे, ये जो आइसलेट ऑफ लैंगेंस है यहाँ पर अलग अलग सेल मिलते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। ठीक है, कौन सा सेल? डेल्टा सेल और आपका एफ सेल, ये सारे सेल आपको देखने मिलेंगे। देखिए डेल्टा सेल को अल्फा सेल को ए सेल भी बोलते हैं, बीटा सेल को बी सेल भी बोलते हैं, और आपका डेल्टा सेल को डी सेल भी बोलते हैं। अब डी सेल से कुछ ध्यान आ रहा है क्यों? डी सेल से आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? क्या आ रहा है? गुड, पाइलोरिक। पाइलोरिक में दो रीजन पड़े थे, पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर दो तरह के सेल मिलते हैं, जी सेल और डी सेल। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी जो डी सेल है यहाँ पर ये कौन सा हॉर्मोन सीक्रेट करेगा? यह हार्मोन सीक्रेट करेगा सोमेटोस्टैटिन, और वहां पर भी क्या था? सोमेटोस्टैटिन था। चलिए, और यहाँ पे जो ये अल्फा सेल है ये क्या सीक्रेट करेंगे? ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? ग्लूकागोन। और ये जो बीटा सेल है ये क्या सीक्रेट करेंगे? ये सीक्रेट करेंगे इंसुलिन। अब देखिए ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा ब्लड शुगर को। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर को। और जो इंसुलिन है ये क्या करेगा? यह आपका डिक्रीज करेगा ब्लड शुगर को, डिक्रीज करेगा ब्लड शुगर को। और जो यहाँ पे सोमेटोस्टैटिन है ये किसकी तरह एक्ट करेगा? वहां पे किसकी तरह एक्ट कर रहा था? इनहिबिटर की तरह एक्ट कर रहा था ना, तो यहाँ पर भी क्या करेगा? ये इनहिबिटर की तरह क्या करेगा? एक्ट करेगा। ठीक है, इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे किस चीज का इनहिबिशन करेगा? ये आपका पैनक्रियाटिक सीक्रेशन का इनहिबिट करेगा। क्या करेगा? पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। और एफ सेल का फंक्शन अभी तक क्लियरली पता नहीं है तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नहीं। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ रोल नॉट क्लियर टिल नाउ।
रोल नोट क्लियर, ठीक है। इसका भी फंक्शन हमें पता नहीं है और ये बहुत कम नंबर में होते हैं, सो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए मैं एक बार फटाफट आपके लिए क्या करता हूँ, फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलते जाओगे जैसे आप लोग हमेशा बोलते हो, ठीक है। सो पैनक्रियाज क्या है? सो पैनक्रियाज है आपकी मिक्स ग्लैंड या फिर कंपोजिट ग्लैंड, मतलब ये आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरीके से कार्य करेगी। एक्सोक्राइन वाले में सेक्शन में आपको क्या देखने मिलेंगे, सेल ऑफ एक्नी देखने मिलेंगे। सेल ऑफ एक्नी क्या करेंगे, यहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और ये एंजाइम किस चीज में रोल प्ले करते हैं, डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। वहीं एंडोक्राइन वाले सेक्शन में आपको क्या देखने मिलते हैं, आपको आइसलेट ऑफ लैंगन्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि 1 से 2 मिलियन नंबर में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आइसलेट ऑफ लैंगन्स में आपको अलग अलग सेल देखने मिलेंगे, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। अल्फा सेल क्या करेंगे, ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सोक्राइन वाले सेक्शन में आप ये सारे के सारे एंजाइम्स को याद रखेंगे। तो बस आपको यहाँ पर इतनी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें आगे फूड स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक ज्यादातर बच्चों को भारी लगता है और कुछ बच्चों को इजी लगता है। अब जिन्हें इजी लग रहा है उसके पीछे कारण क्या है कि उन्हें कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, कोई चीज समझ में नहीं आती तो क्या करोगे, वीडियो को रोकोगे, दोबारा सुनोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको क्लियरली समझनी है। सो देखो, डाइजेशन ऑफ फूड की बात करेंगे, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड कि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पर आएंगे, बकल कैविटी में आएंगे। और बकल कैविटी से क्या होता है आपका, ध्यान रखेंगे, बकल कैविटी से ही होता है आपका डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है। बकल कैविटी से क्या हो जाता है आपका, बकल कैविटी से हो जाएगा आपका डाइजेशन, यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब देखो, बकल कैविटी में अगर हम बात करते हैं तो बकल कैविटी में आपको क्या क्या मिलेगा, तो बकल कैविटी में आपको मिलेगा टीथ, क्या क्या मिलेंगे, टीथ मिलेंगे, और आपको क्या मिलेगा, टंग मिलेगी, ठीक है, टीथ और टंग मिलेगी। और ये टीथ और टंग किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं फूड के मेस्टिकेशन में, सो मेस्टिकेशन ऑफ फूड। और इसके अलावा क्या करेंगे, ये है आपका जो है, जो भी फूड है उसको किससे मिक्स कर देंगे, फूड को मिक्स कर देंगे सलाइवा के साथ, किसके साथ मिक्स कर देंगे, सलाइवा के साथ मिक्स कर देंगे। और अगर हम बात करते हैं सलाइवा की, तो सलाइवा के बारे में आप डिटेल में पढ़ के आए हैं कि इसमें क्या मिलता है, इसमें एक एंजाइम मिलता है और एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेस। कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेस है। अब देखो, सलाइवरी अमाइलेस का जो फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है आपका 30% स्टार्च, ठीक है, कितने परसेंट, आपका 30% स्टार्च को ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किसमें, और एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा, एंड प्रोडक्ट बनाएगा माल्टोस, क्या बनाएगा भाई, माल्टोस बनाएगा, ठीक है। और साथ साथ आपका क्या रहेगा, यहाँ पर माल्टोस और डेक्सट्रीन क्या रहेंगे, इसके एंड प्रोडक्ट रहेंगे। देखो, इसे इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर मैं एक समरी भी देने वाला हूँ, ठीक है, पूरी डाइजेशन की। जैसे ही हम लोग ये पूरा टॉपिक करेंगे, इसके बाद मैं एक समरी का अलग से वीडियो बनाऊंगा, मतलब हाँ अलग से ही बना के दूंगा आपको, ठीक है, इसके साथ में ही दूंगा, अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसे क्या करोगे, फटाफट रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और इसके अलावा देखो, ये हो गया आपका, ठीक है, तो आपका 30% जो है आपका स्टार्च क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, माल्टोज में और डेक्सट्रीन में। और माल्टोस क्या होता है, माल्टोस होता है डाइसैकेराइड, क्या होता है भाई, माल्टोस क्या है, डाइसैकेराइड है। चलिए, ओके, सलाइवरी अमाइलेस का दूसरा नाम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेस का दूसरा नाम होता है टाइलिन, क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेस का दूसरा नाम रहेगा टाइलिन। और इसके अलावा आप क्या देखोगे, बकल कैविटी में, बकल कैविटी में आपको म्यूकस भी मिलेगा, है ना, म्यूकस तो मिलेगा, और म्यूकस क्या करेगा, यह है आपका बाइंडिंग कर देगा फूड पार्टिकल को, बाइंड करेगा, क्या करेगा, बाइंड करेगा फूड पार्टिकल को। और बाइंड करने के बाद फूड पार्टिकल का, जब फूड पार्टिकल बाइंड हो जाएंगे तो अभी किस फॉर्म में हो जाएंगे, ये एक बोल की फॉर्म में हो जाएंगे, जिसको आप क्या कह दोगे, बोलस कह दोगे। और बोलस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलस का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं किसमें, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर स्टोमक को, ठीक है, किसको देखोगे आप लोग, यहाँ पर स्टोमक को देखोगे। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टोमक की, ठीक है, देखो ये बोलस बना, ठीक है, फिर ये बोलस कहाँ पहुँचा होगा, यह बोलस पहुँचा होगा कहाँ पर, फेरिंग्स में पहुँचा होगा, और फेरिंग्स के बाद किस में पहुँचा होगा, ये बोलस पहुँचा होगा फूड पाइप पर, और फूड पाइप के बाद आपका ये बोलस कहाँ पहुँचा होगा, स्टोमक में पहुँचा होगा, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं आपका, स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, निगलना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस प्रोसेस को क्या कहोगे आप लोग, इस प्रोसेस को कहोगे स्वेलिंग और डिग्लूडेशन, और डिग्लूटिशन जिसका मतलब क्या होता है, निगलना। चलिए अब आते हैं स्टोमक की तरफ। सो स्टोमक की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो स्टोमक की अगर हम बात करते हैं तो स्टोमक में आपको एक मूवमेंट देखने मिलती है जिसको क्या कहते हैं, चन्निंग मूवमेंट, क्या कहते हैं जिसको,
जिसको कहा जाता है जर्निंग मूवमेंट। तो आपसे पूछेंगे ना कि स्टोमक में कौन सी मूवमेंट मिल रही है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जर्निंग मूवमेंट। वहीं आपसे अगर आपसे पूछेंगे विंड पाइप में कौन सी मूवमेंट, सॉरी विंड पाइप में नहीं, फूड पाइप में कौन सी मूवमेंट मिल रही है, तो आपका आंसर रहेगा पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। अब देखिए जो स्टोमक होता है, यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी लेयर होगी ना। हमने भी हिस्टोलॉजी पढ़ी तो हमने देखा था भाई म्यूकोसा लेयर थी ना, इनर मोस्ट कौन सी थी, म्यूकोसा थी। सो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो क्या कंटेन कर रही है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा कंटेन कर रही है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या कंटेन कर रही है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा कंटेन कर रही है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन से सेल है, सो गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको देखने के लिए मिलेंगे पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल को दूसरा नाम क्या है, जाइमोजन सेल। ठीक है, कौन सा है, जाइमोजन सेल। जाइमोजन सेल पहले यूज करते थे, मतलब एनसीईआरटी ने पहले यूज कर रखा था, लेकिन अब जो है केवल आपको पेप्टिक और चीफ सेल के नाम से बताते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना इसको जाइमोजन सेल भी कहते हैं क्योंकि एग्जाम में आ रखा है। और यहाँ पे सेल कौन से देखने मिलेंगे, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल देखने के लिए मिलेंगे। और आपको कौन से सेल देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे पैराइटल सेल और आपका ऑक्सेंट्रिक सेल, पैराइटल सेल और आपका ऑक्सेंट्रिक सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए इन सेल्स के फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले पेप्टिक सेल जो होता है ये क्या करता है, यह आपका सीक्रेट करता है इनएक्टिव एंजाइम। कैसे एंजाइम को सीक्रेट करेगा, इनएक्टिव एंजाइम को सीक्रेट करेगा। अब इनएक्टिव एंजाइम को सीक्रेट करेगा मतलब कौन कौन से एंजाइम होंगे, यहाँ पर एंजाइम होंगे आपके पेप्सिनोजन और आपका प्रोरेनिन, और कौन सा हो जाएगा, प्रोरेनिन। ठीक है, सो ये आपके दो इनएक्टिव एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर सीक्रेट करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं म्यूकस नेक सेल, ये क्या सीक्रेट करेगा, ये आपका म्यूकस को सीक्रेट करेगा। और ये जो पैराइटल सेल हैं ये क्या करते हैं, ये है आपका HCl को सीक्रेट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं जो कि आपका क्या करेंगे, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, क्या मैंने क्या कहा, इंट्रेंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, ठीक है, तो आपको इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि इनएक्टिव क्या है, पेप्सिनोजन। सो पेप्सिनोजन पे जब HCl क्या करेगा, एक्ट करेगा, और HCl का जो pH होता है, pH कितना होता है HCl का, 1.8। सो ये पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन कैसा होता है आपका, एक्टिव होता है, पेप्सिनोजन कैसा होता है आपका, इनएक्टिव होता है। अब आगे चले क्या होगा कि ये जो पेप्सिन बना है यहाँ पर, ये क्या करेगा आपका, ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा। और ये प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा, ये आपका तोड़ेगा पेप्टोन्स में, और आपका किसमें तोड़ेगा, प्रोटीएसिस में। ठीक है, प्रोटीएसिस में ये तोड़ देगा। फिर इसके बाद देखो क्या याद रखना है, एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी, प्रोरेनिन, क्या बताई थी, प्रोरेनिन, डबल एन ध्यान रखना, रेनिन में। ठीक है, ये प्रोरेनिन आपको किसमें देखने मिलता है, इन्फेंट्स में देखने मिलता है। ठीक है, बच्चों में देखने के लिए मिलता है। ये प्रोरेनिन में जब क्या होगा, HCl एक्ट करेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये है आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। और रेनिन क्या करता है, रेनिन आपका जो है मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर रेनिन क्या करेगा, एक्ट करेगा और इसे ब्रेक डाउन करेगा मिल्क प्रोटीन को, किसमें, एज कैल्शियम पैरा कैसीनेट। ठीक है, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में क्या करेगा, इसको इसका एंड प्रोडक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और किसमें मिलता है, ध्यान रखेंगे, ये है आपको देखने के लिए मिलता है इन्फेंट्स में। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि भाई चलो भाई इन्फेंट्स में तो रेनिन काम कर रहा है, तो फिर आपका जो है एडल्ट में कौन वर्क कर रहा होगा। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे, एडल्ट में जो है, एडल्ट में यह काम कौन करेगा, एडल्ट में यह, यहाँ पर यह काम करता है आपका पेप्सिन। क्या करता है, पेप्सिन, पेप्सिन करता है एडल्ट में इसकी ब्रेकडाउन, मिल्क प्रोटीन की ब्रेकडाउन। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि जो प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है, प्रोटीन का जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है आपका, वह होता है आपका स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक में ही क्या होता है, प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि स्टोमक में आपने देखे थे ना कौन से सेल थे, पैराइटल सेल थे और ऑक्सेंट्रिक सेल थे। रुको मैं अभी एक बार फिर से दिखाता हूँ, पैराइटल सेल और ऑक्सेंट्रिक सेल। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, HCl का सीक्रेशन होता है। इसके अलावा आपने क्या देखा था, इंट्रेंसिक फैक्टर थे जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे थे। सो देखिए यहाँ पर जो फूड आएगा उस पर क्या होगा, जब HCl वगैरह लगेगा तो फूड कैसा हो जाएगा, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा ना।
हम लोग क्या यूज करेंगे टर्म, हम याद यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे एसिडिक फूड के लिए, काइल। क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हम टर्म यूज करेंगे काइल। कौन सा यूज करेंगे? काइल, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ, फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस, मतलब जब फूड पे आपका गैस्ट्रिक जूस ने क्या करा, एक्ट करा, तब आपका क्या बना है? काइम बना है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आपका काइम कहाँ पर बनता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि जो काइम है वो कहाँ रहेगा आपका, वो रहेगा आपका स्टोमक में रहेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो चलो अब हम यहाँ पे समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कैसे आपका डाइजेशन हो रहा है। सो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने क्या पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? सबसे पहला पार्ट होता है तुम्हारा ड्यूडोनम। कौन सा पार्ट है भाई? ये है आपका ड्यूडोनम। सो देखो क्या होता है आपका ड्यूडोनम में, क्या आएगा ड्यूडोनम में? आपका फूड आया, ठीक है, वो ये फूड कहाँ सा है? स्टोमक सा है। तो इनिशियली इसका नेचर कैसा होगा? अब ये स्टोमक सा आया तो इनिशियली इसका नेचर कैसा होगा? तो इसका नेचर होगा एसिडिक। और आपको एक बात पता है कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, बाइल के जो सीक्रेशन होता है, ठीक है, बाइल वगैरह भी तो यहाँ पर ओपन हो रहा है। क्यों? कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, बाइल की ओपनिंग, मतलब बाइल यहाँ पर सीक्रेट होगा। तो बाइल क्या करेगा, यह है आपका इस फूड पर क्या करेगा, जो स्टोमक से फूड आया एसिडिक फूड, उस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा, और इसे कैसा इसे कन्वर्ट कर देगा एसिडिक फूड से, किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कलाइन में, एल्कलाइन फूड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कलाइन फूड में कन्वर्ट कर देगा। अब एल्कलाइन फूड में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पेनक्रियाटिक एंजाइम है, जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस है, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है, और जो उसमें एंजाइम है, ठीक है, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस में जो हमारे एंजाइम है, वे कैसे नेचर, वे कैसे उस पर वर्क करेंगे? वह वर्क करेंगे आपके एल्कलाइन नेचर वाले उस सब्सटेंस पर, ठीक है, एल्कलाइन नेचर वाले सब्सटेंस पर ही वर्क करेंगे, ठीक है। इनिशियली कैसा था? एसिडिक, बाद में कैसा हो गया? एल्कलाइन, ठीक। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। ये तो देखो हमारी सीबीडी हो गई, कॉमन बाइल डक्ट हो गई, ठीक है। और आपने एक बात, आपने ये भी तो पढ़ा है कि पेनक्रियास भी तो यहीं पर प्रेजेंट होती है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस जो होगा वो भी क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। और इसका अगर मैं बात करता हूँ आपसे पेनक्रियाटिक जूस के पीएच की, तो इसका पीएच आप ध्यान रख सकते हैं, इसका पीएच कैसा होता है, 7.8 to 8.3 इसका क्या है, ये है आपका पीएच। अब देखो पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है। सो एंजाइम यहाँ पर है आपका, कौन कौन से एंजाइम होंगे? एक एंजाइम होगा आपका ट्रिप्सिन, एक एंजाइम होगा यहाँ पर कीमोट्रिप्सिन, कीमो ट्रिप्सिन, और एक एंजाइम होगा यहाँ पर आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है। ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों एंजाइम जो है आपका प्रोटीन है ना, देखो मैक्सिमम प्रोटीन क्या हो चुका है आपका स्टोमक में ही क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटीन जो बच चुका है, ठीक है, या फिर जो वहां पर प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ था किसमें, पेप्टोन्स में, और आपका किसमें ब्रेक डाउन हुआ था, प्रोटीएसिस में। तो ये तीनों एंजाइम इस पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, और इसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसे ये कन्वर्ट कर देंगे डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे, या इसे ये कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल पेप्टाइड में, ठीक है, किसमें कर देंगे, स्मॉल पेप्टाइड में कर देंगे। फिर ये तो हो गया आपका पहला जो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दूसरा एंजाइम क्या होगा, दूसरा एंजाइम हो जाएगा यहाँ पर आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज। कौन सा हो जाएगा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइलोप्सिन। तो ये अमाइलोप्सिन जो है ये किस पर एक्ट करेगा, ये आपका पॉलीसेक्राइड, ठीक है, किस पर एक्ट करेगा, पॉलीसेक्राइड पर एक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च। देखो 30% स्टार्च जो है, ठीक है, 30% स्टार्च जो है आपका, शायद मैंने यहाँ पर, हाँ 30% स्टार्च जो है आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। रेस्ट 70% जो स्टार्च होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पर जो है पेनक्रियाटिक अमाइल क्या करेगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज इस पर एक्ट करेगा, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका डाइसेक्राइड में, किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाइसेक्राइड में। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर पेनक्रियाटिक लाइपेस,
पैनक्रियाटिक लाइपेज को क्या कहते हैं, स्टीपसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टीपसिन भी कहते हैं। सो स्टीपसिन या फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, यह आपका जो भी इमल्सीफाइड फैट है, क्या होगा जो भी इमल्सीफाइड फैट है उसको आपका ये किसमें कन्वर्ट करेगा, यह है आपका डाई या फिर आपका ये मोनोग्लिसराइड में कर देगा। किसमें कर देगा? डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में कर देगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम और मिलता है जो कि है आपका न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या करेगा आपका, यह है आपका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, किस पर एक्ट करेगा? न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करेगा और यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट पर बनेगा आपका वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड। समझ में नहीं आ रहा तो परेशान मत होना, मैं क्या करने वाला हूँ, टेलीग्राम पर जाना, ठीक है। टेलीग्राम का आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैं एक समरी टेबल में आपके लिए डाल दूंगा, तो आप उसे भी देख लेना। वैसे समझ में आ रहा होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना मेरे को। चलो फिर इसके बाद हम लोग आते हैं किस पर, ये तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, यहाँ पर हमने बात कर ली पैनक्रियाटिक जूस की, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस की, अब देखो इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सकस एंटेरिकस। क्या कहते हैं? सकस एंटेरिकस कहते हैं। इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.5 to 8.0 या फिर 8 तक इसका पीएच होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस की। सो यहाँ पर सोर्स क्या रहेगा इंटेस्टाइनल जूस का? सोर्स रहेगा आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या रहेंगी यहाँ पर? सोर्स रहेंगी, और वो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब यहाँ पर क्या करेंगे एंजाइम की, चलिए मैं यहाँ पर एक तरफ क्या लिखता हूँ, मैं एक तरफ यहाँ पर एंजाइम लिखूंगा, फिर मैं एक तरफ यहाँ पर क्या कर देता हूँ आपके लिए सबस्ट्रेट लिख देता हूँ, और एक तरफ मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर एंड प्रोडक्ट, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आपको टोटल 8 एंजाइम को ध्यान रखना है। कितने एंजाइम याद रखने हैं आपको? 8 एंजाइम ध्यान रखने हैं। तो चलिए सबसे पहला एंजाइम लेते हैं हम लोग एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस में यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा आपका? ट्रिप्सिनोजन। सबस्ट्रेट क्या रहेगा? ट्रिप्सिनोजन। और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? ट्रिप्सिन। एक एंजाइम आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा इरिप्सिन। इरिप्सिन जो है यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या रहेंगे आपके? स्मॉल पेप्टाइड। और ये स्मॉल पेप्टाइड पर कौन एक्ट करेगा? इरिप्सिन एक्ट करेगा, और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको चेंज कर देगा ये अमीनो एसिड्स में, या फिर मैं कह सकता हूँ स्मॉल पेप्टाइड ब्रेक डाउन इंटू अमीनो एसिड। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक एंजाइम माल्टेस। देखिए माल्टेस वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं माल्टेस। और यहाँ से एक सुक्रेस, ये भी आपका क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है लैक्टेस, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो ये तीनों तो आपको हर हाल में नहीं भूलने। अब देखिए क्या होता है माल्टोस पे, क्या यहाँ पे माल्टोस पे एंजाइम एक्ट करेगा माल्टेस, सुक्रोस पे एंजाइम एक्ट करेगा सुक्रेस, और लैक्टोस पे एंजाइम एक्ट करेगा लैक्टेस। और यहाँ पर जो है एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। सुक्रेस में क्या, यहाँ पर क्या मिलेगा? जब सुक्रोस पे सुक्रेस एक्ट करेगा तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट मिलेगा आपको ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोस, फ्रक्टोस। और यहाँ पर लैक्टेस बात करते हैं, यहाँ पर लैक्टोज में जब लैक्टेस एक्ट करेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोस, ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस, ठीक है, ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोज आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा इंटेस्टाइनल लाइपेस। इंटेस्टाइनल लाइपेस, और इंटेस्टाइनल लाइपेस ये क्या करेगा? ये आपका किसमें? डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और आपका मोनोग्लिसराइड पर क्या करेगा? एक्ट करेगा। मोनोग्लिसराइड पर क्या करेगा? ये आपका एक्ट करेगा, और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? फैटी एसिड बनेगा, और आपका ग्लिसरॉल यहाँ पर क्या बनेगा? एंड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्या क्या बनना है? फैटी एसिड बनना है और आपका ग्लिसरॉल बनना है। इसके अलावा देखिए आपके यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम रहेंगे, यहाँ पर एंजाइम रहेगा एक आपका न्यूक्लियोटाइडेज, और एक एंजाइम क्या रहेगा? न्यूक्लियोसाइडेज, अभी न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा? यह आपका न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? यह आपका न्यूक्लियोटाइड को किसमें कन्वर्ट, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है ये किसमें कर देगा? न्यूक्लियोसाइड में। किसमें करेगा? न्यूक्लियोसाइड में। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइडेज है ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोसाइड को किसमें ब्रेक डाउन करेगा? ये न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करेगा नाइट्रोजन बेस में, ये आपका करेगा शुगर में,
और आपका किसमें कर देगा, H3PO4 में, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ फॉस्फेट में। सो आपको यहाँ पर डाइजेशन में इतनी सारी सामग्री तो याद रखनी पड़ेगी, इससे कम ना कुछ होने वाला है नहीं, तो ये तो आपके लिए मिनिमम है, ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे अच्छे से नोट्स बनाओ फिर याद करो, देखना आपको हो जाएगा। अगर आप वीडियो को यहाँ पे सीरियसली भी देख रहे हैं ना, तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो रही हैं। और यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने डाइजेशन वाला हेडिंग अपना कर लिया है। अब इसके बाद तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास कहीं से आया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। सो देखिए क्या है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बेटा हौसला रखिए, एंड श्योरली यू विल क्रैक नीट 2023। ऑल द बेस्ट।